अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इनामुल हक और मेरा छोटा भाई है इकरामुल हक, जो कि अभी ट्यूशन किया हुआ है, और ये मेरा न्यू चैनल है व्लॉगिंग का। और उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, अच्छे अच्छे लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे मुझे। तो मैंने अपना ये चैनल इसीलिए बनाया कि मैं अपनी रूटीन शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ, जो करता हूँ, जो सुबह से लेकर शाम तक मेरा होता है सिस्टम सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे, और जिस तरह की वीडियोस कहेंगे इंशाल्लाह पॉसिबल होगा कि वही वीडियोस मैं बनाऊँ, ठीक है। तो बस आपने अच्छी अच्छी सपोर्ट करनी है। तो अभी मैं आज का तो फर्स्ट व्लॉग है, इतना कुछ नहीं दिखा सकूँगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अपनी सारी रूटीन शेयर करूँगा, सब कुछ बताऊँगा। तो घर आप देख सकते हैं, पीछे मेरा नज़र आ रहा होगा, ये सबसे सेकंड फ्लोर है, इधर हम रहते नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे बजीज और तोते वगैरह रहते हैं। तो चलें आपको पहले अपने तोते दिखाता हूँ, जो हमने तकरीबन 2018-19 से रखे हुए हैं, मतलब बहुत शौक है हमें इन चीज़ों का। ये देख सकते हैं, ये कॉकटेल हैं, नीचे यहाँ पर भी दो कॉकटेल हैं, ये इनकी ब्रीड आई हुई है इसलिए बॉक्स में आपको नज़र नहीं आएंगे। बाकी ये देख सकते हैं नीचे ये बजीज हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अच्छी नस्लें हैं ये, ये आप देख सकते हैं सारे। तो इनको मैं और छोटा भाई इनकी बहुत केयर करते हैं और ये हमें बहुत पसंद है, मतलब एक तरह की ये जान है हमारी। इनमें से कोई एक ही चला जाता तो हमारा वो दिन जो होता है ना वो सारा बोरियत वाला गुजर जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये आपको सेटअप में दिखाया, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको दिखाना है। तो आज तो फर्स्ट व्लॉग है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको दिखाते रहेंगे, आपको शो करवाएंगे, ठीक है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। तो बस आपके जितनी मोहब्बत मिलेगी फिर उस हिसाब से हम लोग आपके लिए वीडियोज़ बनाएंगे और वीडियोज़ अरेंज करेंगे। तो अभी बाकी मिलते हैं शाम को, अभी तो मेरा भाई भी नहीं है, हमने शाम को काइटिंग भी करनी होती है। बेसिकली मैं रावलपिंडी से हूँ और अभी भाई नहीं है, तो भाई आ जाए ना तो फिर हम शाम को फिर मिलते हैं। वैसे भी अभी कुछ गेस्ट आने लगे हैं तो उनके साथ में थोड़ा बिजी हो जाऊँगा, तो जैसे ही वो जाएंगे या अगर हो सका पॉसिबल व्लॉग बनाना तो मैं उनके साथ भी बना दूँगा, नहीं तो फिर हम लोग बाद में जब भाई आएगा तब उसके बाद हम लोग माहौल बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ रहना है कहीं जाना। अच्छा तो यार गेस्ट आने में थोड़ा टाइम था, मैंने कहा इससे पहले आपको ज़रा अपना छत का टूर भी करवा दूं, आपको ऐसा ऐसा कुछ बताना है, तो चलो थोड़ा थोड़ा अभी से बता देते हैं। तो छत का टूर करा देते हैं, ये देख सकते हैं पीछे मोंटी है, इधर तो वैसे ही सामान पड़ा हुआ है घर का। तो छत आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये हमारे पौधे आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये धनिया आ जाता है साथ, फिर हमारी मिर्चें, धनिया, फिर पालक, ये सारा शौक छोटे भाई का है, वो ही करता है ये सब। और ये आप देख सकते हैं सारा छत, ये आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल कोई बच्चा छत पे नहीं है इसका। तो ये कबूतर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये भाई भी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो ये हमारा छत, यहाँ पर इंशाल्लाह शाम को हम माहौल करते हैं सही सही वाला माहौल जो होता है, काइटिंग और बहुत कुछ। तो इंशाल्लाह भी छोटा भाई आता है ट्यूशन से तो फिर हम लोग काइटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे, शो कराएंगे, बल्कि उसने काइट्स भी छुपा के रखी होती हैं मुझसे कि मैं उसकी चीज़ें ना ख़राब करूँ। सो तो वो केयरिंग बहुत है, वो अपनी चीज़ों की बहुत केयर करता है, तो वो इसलिए फिर हर चीज़ को जो है ना मुझसे थोड़ा संभाल के, क्योंकि मुझे जहाँ नज़र आए चीज़ में उसको फिर यूज़ करना स्टार्ट हो जाता हूँ, और तो इस वजह से अभी वो आता है तो फिर मैं आपको काइट दिखाता हूँ। बल्कि सुबह मैंने उसकी एक काइट देखी थी, चले आए वो चेक करते हैं, सुबह मैंने उसकी एक काइट देखी थी, ये देखें, ये सीक्रेट प्लेस पे उसने काइट्स रखी हैं, वो देखें आगे कितनी सारी काइट्स पड़ी हुई हैं। तो वो इसी तरह ना ज़रा संभाल संभाल के चीज़ें रखता है। तो इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं, आप लोगों ने साथ रहना है कहीं नहीं जाना, ठीक है। मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा गपशप होगी, दोबारा चीज़ बातें होंगी। बस आप वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा तो दोस्तों अभी भाई नहीं आया, उसका इंतज़ार ही किया जा रहा है, पता नहीं कह रहा तो था घंटे तक आ जाऊँगा, अभी तक तो नहीं आया। तो अभी फिर मैं बोर हो रहा था और मैंने कहा तो टीवी देख लेते हैं फिर। तो अभी आप देख सकते हैं मैं टीवी देख रहा हूँ, और टीवी पे
मूवीज़ का मुझे बहुत शौक है, मूवीज़ में ज़्यादा देखता हूँ। रात को मैंने पठान मूवी देखी थी आधी, कम से कम 12-1 बजे तक, फिर सो गया था। तो अभी उसी को मेरा दिल है बाकी की देखूँ। ठीक है, तो लगाते हैं पठान। अभी पठान मूवी को पता नहीं क्या हो गया, लग नेटवर्क एरर है। बाकी ये नीचे वाले फ्लोर पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ही हम लोग रहते हैं। ऊपर वाला जो था वो मैंने आपको बताया था बजीज का था, यहाँ नीचे ही हम लोग रहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये भी दिखा दूँ मैं आपको साथ कि आज घर में मैंने जैसे आपको बताया था गेस्ट आ रहे हैं, तो ये मॉम देखें कुकिंग कर रही हैं। और ये क्या बना रही हैं अम्मी? अचार गोश्त बना रही हैं अम्मी। वाओ, इसका मतलब आज का जो लंच है वो हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप कितने मज़े की लुक है अभी से ही। तो ये साथ मिर्चों में भी फीलिंग हो रही है, पता नहीं किस चीज़ की। चलें, ये रेडी होगी फिर दिखाएंगे आपको। अच्छा तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अम्मी खाना बना रही हैं, बाकी बहुत मज़े का बना था खाना और मैं खा चुका हूँ खाना। अब हम छत पे जा रहे हैं और मज़े की बात, छोटा भाई आ चुका है ट्यूशन से, तो उससे भी मिलवाता हूँ आपको। ठीक है, छत पे ये है, मुझे कह रहा था काइटिंग करनी है। मैंने कहा यार ब्लॉग बना रहा हूँ तो अकेले नहीं उड़ाने कूटे, साथ दोस्तों को भी देख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उड़ाते हैं काइट। ये देख सकते हैं आप छोटा भाई, इसका नाम इकराम है। इकराम, व्लॉग में शिरकत करें आप। ये देख सकते हैं जी आप, ये गुड्डा उड़ा रहा है अभी फिलहाल। तो ये हमारी डोर है और हवा बहुत मज़े की है, ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की हवा है। वाह, और गुड्डे नहीं उड़े अभी ज़्यादा, लेकिन थोड़ी देर तक जो है गुड्डे उड़ी आएंगे, तो आपको फिर बताएंगे साथ साथ सिचुएशन सारी। मौसम बहुत मज़े का हो गया पिंडी का, बादल आ गए हैं। कल रात को भी बादल आए थे और तकरीबन 2-3 के करीब बारिश हुई थी, लेकिन सुबह फिर सन था। तो ये देख सकते हैं ये लड़के छत पे आ चुके हैं, तो इसी तरह माहौल बनता है हर शाम को छतों पर। तो मैं भी थोड़ी काइटिंग करता हूँ और बताता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, बहुत मजा आ रहा है काइटिंग का। ये देखो बहुत तेज हवा है और मुझे पालना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, पीछे के लिए बुरा आ रहा है, अभी थोड़ा दूर है। जैसे ही करीब आते हैं फिर पेचा पीछा करते हैं। वो एक कट के जा रहा है, एक नाम वो दिखाओ, वो रेड कलर का, किधर चला गया है। हवा बहुत तेज है, गुड्डा थोड़ा सा कटता है कहीं से करीब से, तो वो किधर पहुंच जाता है पता नहीं। हमारे साथ ही मिल गई लगाने आ रहा, चलो एक काम आप उड़ाओ गुड्डा, ये मुझे पकड़ाओ, ये लो। मौसम बहुत मज़े का हो गया दोस्तों, मौसम बहुत मज़े का। और ये देखें ये उड़ा है गुड्डा, ये अब बेचे के लिए आएगा ये वाला, इसके साथ बेचा लगाएंगे। ठीक है, तो बस आप साथ रहिए, जुड़े रहिए, अभी हम लोग बेचा लगाने लगे हैं। ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा ऊपर होता है ना बेचे के लिए तैयार होता है, फिर मैं वीडियो ऑन करता हूँ। ये देखें गाइस, हमारे साथ आ गया एक बंदा बेचा लगाने के लिए, इकराम भाई बेचा लगा रहे हैं। ये देखें इकराम बेचा लगा रहा है, ये आ गया है, और इसके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे, पता नहीं ये किस तरह लगा। ये देखें जी, गुड्डा काट दिया इकराम भाई ने, वो किधर चला गया, नीचे चला गया, यहाँ जो साथ हो रहा था हमारे काट चुका है गुड्डा, ये देख सकते हैं आप। और बाकी वो ऊपर अब एक गुड्डा है, वो अब बेचे के लिए आ रहा है, देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा दोस्तों यार, बहुत ही बुरी खबर, हमारा अपना गुड्डा काट चुका है। मैं खुद पेचा लगा रहा था, पहले भाई ने लगाया है, तो भाई ने तो काट लिया है, उसके बाद मैंने लगाया है, तो मेरा भी कट गया है गुड्डा। वो भाई दूसरा लेने गया,
वो लाता है तो फिर उड़ाते हैं। आपको मैं गुड्डा दिखा दूं कौन सा था जिसने हमारा काटा है वो देखिए। ये आपको नजर आ रहा होगा ये गुड्डा था जिसने हमारा काट दिया। तो कोई मसला नहीं, गुड्डे बहुत पड़े हैं, डोर भी बहुत है। इंशाल्लाह आज ये जो है ना आसमान साफ करके जाना है, तो आप हमारे साथ रहिएगा ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी भाई ने एक और गुड्डा उड़ाया, ये आपको मैं गुड्डा दिखा दूँ अपना। ये गुड्डा है, ये आप देख सकते हैं। हमारे फ्रेंड भी गुड्डा उड़ा रही हैं, वो सामने आप छत पे देख सकते हैं। भाई भी गुड्डा उड़ाने लगे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं हम गुड्डे उड़ा रहे थे और हमारे कम अज़ कम 3 से 4 गुड्डे काट चुके हैं और टोटल हमने 1 से 2 काटे हैं। गुड्डे 2 काटे हैं, 1 काटा है ग्राम, 2 काटे हैं हम लोगों ने गुड्डे। तो अभी हम थोड़ी रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद फिर गुड्डा उड़ाते हैं ठीक है। अभी जो है कटवा के चड़फरी हमने रखी है, अभी हम थोड़ी रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद हम गुड्डा उड़ाते हैं दोबारा से। आप लोग बिल्कुल साथ रहिएगा। ये हमारे दोस्तों ने भी गुड्डा उड़ा लिया, आप देख सकते हैं वो उनका दरख्त में फंस चुके हैं। ये देखिए इनका गुड्डा दरख्त में फंस चुका है। और एक और भाई हैं हमारे जिन्होंने ये गुड्डा उड़ाया, ये आप देख सकते हैं ये साथ ही रहते हैं। तो बस यूं ही चलता जा रहा है, गुड्डे बहुत उड़ रहे हैं। आज लगता है बसंत आ जाए, हालांकि बसंत फ्राइडे को गुजर चुकी है और आज संडे का दिन है। लेकिन जो बचे कुचे गुड्डे होते हैं, डोरे होती हैं, जहरी बात है वो भी पूरा साल रखेंगे घर पर, तो वो भी अभी उड़ा रहे हैं क्योंकि 3 दिन होते हैं बसंत के। तो बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम भी बहुत मज़े का हो। ये देखें जी, मैं फ्रेंड के साथ आ गया हूँ गुड्डा उड़ाने के लिए, आप देख सकते हैं। ये रुकें, ये फ्रेंड देख सकते हैं आप मेरे, ये देखें ये गुड्डा उड़ा रहे हैं। तो आपको सनसेट दिखाते हैं, अभी तो इतने मज़े की नहीं बनी सनसेट, थोड़े टाइम बाद जो है ना मज़े का। मुर्गा चेक करें, क्या खूबसूरत मुर्गा है माशाल्लाह से। तो देखिए मैं बिल्कुल टॉप पे आया हूँ, बहुत मज़े की आवाज़ आती है, बड़ा मज़े का मौसम बना हुआ है। ये देखें दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने गुड्डा पकड़ा है, वहाँ से काट के आ रहा था पिछली साइड से। आज भी बहुत मज़े के गुड्डे उड़ रहे हैं ज़्यादा सारे से। अभी ये देख सकते हैं ये वाला गुड्डा हमारा है, ये हम उड़ा रहे हैं और पेचे का इंतज़ार है। अभी 2 काट चुके हैं और वही गुड्डा उड़ है माशाल्लाह, भाई प्रो प्लेयर है हमारे। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत गुड्डे उड़ाए हैं, बहुत काटे हैं। ये फिर हमारा पेचा लग गया, नहीं लगा अभी, नहीं लगा। ये आप माहौल देखें, ये आप माहौल देखें कितना गुड्डा उड़ है, बहुत गुड्डे उड़े हैं। ये देख सकते हैं जी, शाम का वक्त हो गया, मगरिब की अजानें हो चुकी हैं और ये देखें कितने मज़े का व्यू है, बिल्कुल मज़े का कुदरती माहौल है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से मैंने आपको चेक करा दिया है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। ये भाई और ये दोस्त खड़े हुए हैं, ये हम लोग अभी भी पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखें, ये ऊपर वाली हमारी है, वो नीचे भाई की है, भाई इस छत से उड़ा रहे हैं ये और पेचा लगा हुआ है। ये देखें पेचा लग चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं आप, हमने आज बहुत मज़ा किया है, बहुत से गुड्डे काटे हैं, बहुत कटाए हैं। अच्छा तो हमने आज बहुत मज़ा किया, आज मैंने सारी सिचुएशंस आपको दिखाई जो जो मैंने आज किया। तो अब जो है बहुत थक चुका हूँ और अब हम लोग रात का खाना बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से व्लॉग को मुझे एंड करना चाहिए, व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अभी व्लॉग को एंड करेंगे और इंशाल्लाह फिर कल आपसे मिलेंगे और कल की रूटीन शेयर करेंगे। आज तो संडे था, कल मैंने कॉलेज जाना है, तो वो सारी जो कॉलेज की रूटीन है वो मैं आपको कल दिखाऊँगा ठीक है। और बाकी तब तक के लिए आप से इजाज़त चाहता हूँ और अपना अपना ख्याल रखिएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।